हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज है मेरा डे टू वृंदावन की जर्नी में, और अगर आपने मेरे इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो उससे भी जरूर देखिए। उसमें मैंने कवर किया है मथुरा का श्री जन्मभूमि मंदिर, वृंदावन का प्रेम मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर। गाइज, वैष्णो देवी मंदिर सच में बहुत बढ़िया मंदिर है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आप वैष्णो देवी मंदिर जरूर जाएं। गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ श्री बाके बिहारी जी के, वर्चुअल दर्शन। आज आपको मैं बाके बिहारी मंदिर, निधिवन और केसी घाट यानी कि यमुना घाट आपको लेके जाने वाला हूँ, और एक दो मंदिर और हैं। तो चलिए गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं SBT's स्टोरीज। ये फ्रेंड्स हमारा होटल, ये प्रेम मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे 200 मीटर की दूरी पे प्रेम मंदिर इसके बिल्कुल अपोजिट है। गाइस, ये बाके बिहारी मंदिर जाने का रास्ता है। आपको पीछे वहाँ पर सामने जो बोर्ड दिख रहे हैं, आपको वहाँ पर ई रिक्शे वाले छोड़ देंगे और यहाँ से आपको पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। आज इतना रश नहीं है क्योंकि आज मंडे है। देखिए, ये नहीं तो ये बाजार बिल्कुल खचा खच रहता है। तो अभी मैं कराऊंगा आपको बाके बिहारी मंदिर के दर्शन। आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी आगे आपको सारी प्रसाद वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी जो आप पर चढ़ाने के लिए प्रसाद दे सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से लेकर सारी दुकानें मिल जाएगी। पेड़े, हर तरीके के पेड़े हैं, 50-100 रुपये के, 450 के पैसे पेड़े हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। सारी आपको पेड़े की मार्केट, ये देखिए। गाइस, ये प्रसाद ले रहे हैं, ये 50 रुपये का प्रसाद है, इसमें पेड़े हैं और 50 रुपये की आपको ये माला मिलेगी, आप अंदर चढ़ा सकते हैं। गाइस, ये बाके बिहारी जी मंदिर, मंदिर में एंट्री कर रहे हैं हम। अभी इतना रश नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल, बट आप संडे सैटरडे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो आज मैं कर चुका हूँ बाके बिहारी मंदिर में एंट्री। ये है मेरे पीछे बाके बिहारी जी, तो जयकारा लगाइए, बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो फ्रेंड्स, हम दर्शन करके आ चुके हैं बाके बिहारी मंदिर के। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, थोड़ी बहुत भीड़ थी बट बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर। अब आपको राधा वल्लभ मंदिर दिखाता हूँ। राधा वल्लभ मंदिर बाके बिहारी जी से बस 200 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वॉक करके आ सकते हैं। तो अब चलते हैं राधा वल्लभ मंदिर। आज देखो सीन हो गया, ये बंदर चश्मा ले गया, अब इसको फ्रूटी वगैरह देनी पड़ेगी। तो आप अपने चश्मे वगैरह पर ध्यान रखिए, ये बंदर फोन चश्मे यहाँ से ले आते हैं। तो आप चश्मे का और फोन का ध्यान रखिए आप। ये देखो, ये बंदर ऐसे ले आते हैं। अब हम आए रंगजी नाथ महल। अब मैं आपको रंगजी नाथ के दर्शन करवाता हूँ। आप जो ये सामने ये देख रहे हैं खंबा,
ये सोने का खंभा है, ये देखिए, और वो भी सोने का है वहाँ पर। गाइस, इस मंदिर के अंदर हर साल एक वैकुंठ द्वार बनाया जाता है, तो इस वर्ष का वैकुंठ द्वार ये है, आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, और ये खुला था दो तारीख 1 जनवरी 2023 सोमवार को सुबह खुला था, ये सोमवार सुबह प्रातः। ये यहाँ का वैकुंठ द्वार है कि कुछ मान्यता है यहाँ पर दरवाजा खुलने की। तो गाइस, ये है राजा रमण मंदिर, अब आपको राजा रमण जी के दर्शन करवाता हूँ, चलिए। चलिए दोस्तों, अब आपको निधि वन के दर्शन करवाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आज भी शाम ढलने के बाद श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी सखियाँ यहाँ पर आकर रास करती हैं। जैसे ही यहाँ पर शाम होती है कि जो इस परिसर के ऊपर जो चिड़िया वगैरह होती है वो भी यहाँ चले जाती हैं, और इस परिसर के जितने भी आसपास घर हैं उन सब में परमानेंट खिड़की बंद कर रखी है। तो आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर रास होता है आज भी रात के समय। खड़े यही है भाई निधि वन, आप जो देख रहे हैं ये बंदरों की वजह से कर रखा है, फेंसिंग लगा रखी है, और कुछ यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये पेड़ से, इनको लोग बाग तोड़ते भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर परमानेंट फेंसिंग लगाती है। आपको मैं पेड़ दिखाता हूँ जो ये रात को गोपियाँ बन जाते हैं, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये सारे रात को गोपियाँ बन जाते हैं, और श्री कृष्ण जी और राधा रानी के साथ रास रचाते हैं आज भी रात को। गाइस, आपने देखा निधिवन, अब हम चलते हैं केसी घाट जहाँ जमुना मैया बहती है, और वहाँ जाकर आपको बोटिंग करवाता हूँ। एक दो घाट है श्री कृष्ण जी के फेमस घाट है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं दिखाई थी, वहाँ पर भी चलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं केसी घाट। आप जो है सामने दिख रहे हैं ये है जमुना घाट, आप यहाँ बैठ के ये वोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे चक्कर और एक होता है बड़ा चक्कर, छोटे चक्कर के होते हैं 50 रुपये और आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, और बड़े चक्कर के लेते हैं 120 रुपये, उसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैंने बार्गेनिंग करी तो मुझे मेरी टिकट 70 रुपये की पड़ी है, मतलब कि 120 वाला 70 रुपये में मान गया, तो आप समझ सकते हैं आप कहाँ तक इसको बार्गेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो बड़ा चक्कर है उसमें आपको 7 घाट दिखाएगा, जो छोटा चक्कर है उसमें आपको 3 घाट घुमाएगा। Thank you.
वाला वाला पेड़ नहीं है, सामने वाला पेड़ आपका कौन सा? ये वाला सामने वाला पेड़, ये कदम का पेड़ है सामने वाला, ये गोपी नाते ना उनके पास चले गए, नहीं चढ़ गए पेड़ पे, वाला कदम का पेड़ है, ये पीली वाली गुमट नहीं थी? हां गंगूरा, हां वो वाला काली देगा मंदिर है, कालिया सुनाते थे भगवान, काली देगा कालियानाथ। तो गाइस वो पेड़ दिख रहा है आपको, ये कदम का पेड़ है, वो कदम का पेड़ पे क्या था? गोपी नाती ना उनके पास चले गए। अच्छा गाइस वो कदम का पेड़ जो है ना आप सामने दिख रहे, वो जब गोपी नाती थी, अब तो ये यमुना जी का नीचे हो चुका है, क्या नाम है स्थल, पहले बड़ा वहाँ तक था, तो गोपी नाती थी तो कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो ये वही वाला वस्त्र है जो कृष्ण जी ऊपर बैठे थे। गाइस आप सामने देख रहे हैं वो कालियानाग का मंदिर है, जो श्री कृष्ण जी ने कालियानाग को क्या नाम है मारा था, तो श्री कृष्ण जी से उसने फिर माफ़ी मांगी थी, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तू यहाँ से चला जा, जहाँ से भी तू अगर मुड़ के मुझे वापस देखेगा तो वहीं पे तो पत्थर का बन जाएगा, तो वो इस जगह पर उसने कृष्ण जी को पलट के देखा था, तो यहीं पे ही वो पत्थर बन गया, उसकी आज भी पूंछ इस मंदिर में ही रखी हुई है कालियानाग की। अब जो ये सामने दिख रहे हैं इसका नाम है केसी घाट, यहाँ पर एक केसी नाम का दानव था, उसको श्री कृष्ण जी और सदा बलदाव जी ने इनको उसको मारा था, जब से इस घाट का नाम केसी घाट पड़ गया है। आप ये सामने देख रहे हैं ये यमुना मैया पर, मतलब कि ये यमुना नदी है, इसके ऊपर ये चुन्नी चढ़ा रहे हैं, इनकी कोई मन्नत वगैरह रही होगी तो इसलिए ये सब बंदे यमुना मैया पर चुन्नी चढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर यमुना मैया पर चुन्नी चढ़ाई जाती है। ये देखिए कितनी लंबी चुन्नी है, वो सामने मंदिर है वहाँ पर। सो गाइस ये थे वृंदावन के कुछ मेन मंदिर, वैसे तो छोटे बड़े लगा के गाइस 5000 मंदिर है, बट 5000 मंदिर घूमना पॉसिबल नहीं है और ना दिखाना पॉसिबल है, बहुत टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। सो और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर दो चीज़ हुई, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी ये हुई कि मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए सभी मंदिरों के, बाकी रह के सबके बहुत अच्छे दर्शन हुए, बट यहाँ के जो लोग हैं ना खासकर ई रिक्शे वाले वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके पास अपने पैसे से मतलब है, अपना पैसे लेंगे आप चाहे कुछ भी करो। आपने ऐसे देखा था मैं मथुरा से वृंदावन आया था बस में, तो बस ने मुझे क्या नाम है मायावती चौक पर उतार दिया था, क्योंकि उससे बस आगे जाती नहीं है, ठीक है, और फिर मुझे मैंने वहाँ से ई रिक्शा करा प्रेम मंदिर के लिए, तो मैंने ई रिक्शे वाले को बोला भैया मुझे 20 रुपये क्या नाम है मुझे प्रेम मंदिर जाना है, तो बोलने लगा भैया आपको 20 रुपये लगेंगे प्रेम मंदिर के, मैं आपको प्रेम मंदिर के बाहर छोड़ दूँगा। मैंने कहा चलो, फिर मैं गया, बट उसने मुझे प्रेम मंदिर के 500 मीटर पहले छोड़ दिया, और जब मैंने उससे बोला तो वो मेरे से बहस करने लगा, और उसके साथ आसपास के जो लोग थे वो मेरे पास के चढ़ने लगे, तो फिर मुझे फिर 20 रुपये दे के वहाँ से पैदल जाना पड़ा। तो गाइज अगर आप यहाँ पर आ रहे तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, खासकर फैमिली के साथ, अकेले हो तो आप चल जाएगा जैसे मर्जी, बट फैमिली के साथ आप जरूर ध्यान रखें इस चीज़ का। और गाइज ये जो सारे मंदिर कवर करें ना मैंने, अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप ई रिक्शे से कवर करिए, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है सभी मंदिरों में, कोई 1 किलोमीटर दूर है, कोई 500 मीटर दूर है, कोई 4 किलोमीटर दूर है, तो फिर ऐसे कवर नहीं हो पाएगा। आपको पता है वैसे ही यहाँ पर सुबह क्या नाम है 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ई रिक्शे से करिए, बट ई रिक्शे से अच्छी तरीके से बात करिए, तो उनसे पूछिए कि भैया कहाँ तक छोड़ोगे कैसे छोड़ोगे, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलते हैं। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो सैटरडे संडे अवॉइड करें, गाइस बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है, होटल भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अभी मैं मथुरा स्टेशन पर हूँ और गाइस ये ब्लॉग मैं एपेंड करता हूँ, जिस ट्रेन से मैं आया था ताज एक्सप्रेस से उसी से आप ही जाऊँगा, 7 बजे की ट्रेन है। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है गर्मी आ चुकी है और अपने इंडिया में कोरोना केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, उससे आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी बनी रहेगी। अब गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।